पेरिस पैरालंपिक्स में भारत को एक बार फिर गोल्ड मेडल मिल गया है। भारत को छठा गोल्ड मिल गया है। इसी के साथ भारत की मेडल टैली अब 26 मेडल्स की हो चुकी है। प्रवीण कुमार ने भारत को एक और मेडल दिलाया है और वो भी गोल्ड मेडल दिलाया है। प्रवीण कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाई जंप T64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने की शुरुआत पैरालंपिक में सबसे पहले अवनी लेखारा ने की थी और उसके बाद से लगातार गोल्ड मेडल भारत के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रवीण कुमार ने आज यहां पर गोल्ड मेडल जीता है और इनके इवेंट की अगर बात की जाए तो हाई जंप T64 इवेंट यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पिछले जो पैरा ओलंपिक हुए थे वहां पर भी सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन अपने पर्सनल बेस्ट का जो रिकॉर्ड था उसको यहां पर इन्होंने तोड़ दिया है और इसके साथ ही यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही इन्होंने कई और रिकॉर्ड भी अपने नाम किए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट जो जंप है उसका रिकॉर्ड उन्होंने यहां पर तोड़ा। इसके अलावा एशियन रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि 2.08 मीटर तक ये पहले कुछ अटेम्प्ट्स में फॉल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने सीधा लंबी छलांग लगाना शुरू किया और इसके बाद एक छलांग ऐसी लगाई कि उसने इन्हें गोल्ड मेडल दिला दिया। बात आपको बताएं कि इनके गोल्ड मेडल के साथ ही भारत की गोल्ड मेडल की टैली 6 गोल्ड के साथ चली गई है। अब फिलहाल अगर टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो पैरालंपिक्स में भारत ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया हुआ है, जिसमें प्रवीण कुमार का ये जो गोल्ड है इसने 4 चांद लगा दिए हैं। प्रवीण कुमार ने पहले भी कई मेडल्स भारत को दिलाए हैं। इसके साथ ही पेरिस पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स में आया था। इसके अलावा उन्होंने तमाम मेडल जीते हैं एशियन गेम्स के, पैरा एशियन गेम्स, इसके अलावा भी जितने भी इवेंट्स होते हैं, मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। और एक मेडल एस्पेक्ट के तौर पर इनको देखा जा रहा था कि T64 इवेंट, जो कि ये इवेंट हाई जंप का इवेंट है, इसमें इनसे मेडल की एक्सपेक्टेशन थी इस बार और उन्होंने उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। भारत की जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी इनसे उसको गोल्ड लाकर पूरा किया है। अब आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक में एक बार आपको मेडल टैली भी बता देते हैं कि भारत की मेडल टैली अब 26 मेडल्स की हो गई है। आज एकमात्र मेडल जो जीता है वो इन्होंने ही जीता है, प्रवीण कुमार ने। और इसके साथ ही बीते दिन में हमने देखा कि एक मेडल हिस्टोरिक मेडल आया था जो कि जूडो से आया था। उसके पहले भी हमने देखा कि गुरजीत सिंह, जिन्होंने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया था। तो तमाम प्रदर्शन जो कि काफ़ी अच्छे प्रदर्शन आ रहे हैं, लगातार इंडिया के जो पैरालंपियंस हैं वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मेडल टैली इम्प्रूव कर रही है। जो टोक्यो पैरालंपिक्स की मेडल टैली थी 19 मेडल्स की, उसको हमने काफ़ी आगे कर लिया है। अब भारत टारगेट कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से 30 मेडल तक पहुंच जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत 30 मेडल्स तक पहुंचेगा या फिर नहीं। खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।